आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। लेट एक कोऑर्डिनेट लिए हैं, ठीक है, 0, 0 और x प्लस वाई माइनस 1 = 0 एक लाइन है, दूसरी लाइन है 2x + 1 = 0। ये जो पहली जो लाइन है वो एल्टीट्यूड है, दूसरी जो लाइन है वो मीडियन है, कहाँ से, बी और सी से रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये ट्राइंगल ए बी सी की बात हो रही है, तो इस ट्राइंगल ए बी सी का एरिया अपने को निकालना है, ठीक है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि अगर ये मान लेता हूँ मैं एक ट्राइंगल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी, अगर ए और बी को मैं थोड़ा एक्सचेंज कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर से मेरे को क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड जो डलेगा वेक्टर बी से, तो यानी बी से डाल देता हूँ मैं इसे यहाँ पे। सो बी से ये एल्टीट्यूड चला गया, ठीक है, यहाँ पे। और इसकी जो एल्टीट्यूड की वो है इक्वेशन, ये क्या है, एक्स प्लस बाय माइनस वन। सो यानी जो एक्स प्लस बाय माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन है। और यहाँ से मैंने वर्टेक्स सी से क्या डाला है, यहाँ पे मीडियन, ठीक है। ये मेरा सी है और ये मेरा ए है, ए मेरा 0, 0 होगा। अब जो सी की जो वैल्यू है, सॉरी जो लाइन की इक्वेशन दी हुई है अपने को बस, ठीक है, ये है 2x + 1 = 0। यहाँ पे जो मीडियन जो है, ये मीडियन है, ठीक है, यानी ये स्मॉल सी बाय टू, इसको हाफ पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, स्मॉल सी बाय टू, ठीक है। अब जब ये इस लाइन की, इसको मैं डी मान लेता हूँ, उसको मैं ई मान लेता हूँ, ठीक है। तो जो बी डी की जो स्लोप है, स्लोप ऑफ लाइन बी डी, बी डी एल्टीट्यूड ही था, तो इसकी स्लोप क्या है, ये यहाँ पे क्या दी हुई है, बाई इक्वल टू माइनस वन, ठीक है। तो एम जो है, एम बी डी माइनस वन है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ जो ए सी जो होगा, ए सी परपेंडिकुलर टू बी डी, क्योंकि एल्टीट्यूड है, तो स्लोप ऑफ एम ए सी जो होगा ये कितना होगा, -1/MBD, ठीक है। तो -1/-1 दैट मीन्स 1, तो ए सी की स्लोप तो आ गई 1। एंड पॉइंट ए जो दिया हुआ है 0, 0 दिया हुआ है, तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन होती है, ए सी लाइन की अगर इक्वेशन लिखूँ तो मैं एल ऑफ ए सी, तो एल ऑफ ए सी क्या हो गया, बाय इक्वल टू, जैसे मैंने एम की वैल्यू तो 1 है मेरी, ठीक है, तो बाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ये जो है 0, 0 से पास हो रही है, तो 0 = 0 + c, हैंस जो कांस्टेंट है वो, उसकी वैल्यू 0 हो गई, तो लाइन हो गई बाई इक्वल टू एक्स। तो इसकी इक्वेशन मिल गई मेरे को ए सी लाइन की, बाई इक्वल टू एक्स, ये ए सी थी, और इसकी इक्वेशन मिल गई, तो सी के कोऑर्डिनेट में ला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में, तो इट मीन्स सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या हो जाएंगे, पॉइंट सी जब मिलेगा ही तब, जब यहाँ पे जो 2x + 1 = 0 एंड बाई इक्वल टू एक्स, ये दोनों आपस में जाओ जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी बाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये और ये मीडियन ये, ठीक है, सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो बाई की जगह जैसे ही एक्स में डालूंगा, तो यहाँ पे ये एक्स की वैल्यू तो -1/2 और बाई की वैल्यू भी क्या आएगी, -1/2, ठीक है। तो यानी सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इसके कोऑर्डिनेट हो गए -1/2, -1/2। अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला तो अपने को पता ही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये होता है मेरा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो जो बेस है, ये मेरे पास बेस क्या है, 0, 0 से ए सी डिस्टेंस जो है हाफ ए सी इंटू, ये क्या है मेरा बी डी इंटू बी डी होगी, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं ए सी निकाल सकता हूँ, ए सी क्या होगा, पॉइंट 0, 0 ए पॉइंट जो है मेरा वो 0, 0 एंड सी पॉइंट है -1/2, -1/2, तो मेरा ए सी तो निकल गया अंडर रूट ऑफ -1/2 का स्क्वायर + -1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2, ठीक है, का रूट, यानी 1/√2 आ गया है, तो ठीक है। अब ए सी की वैल्यू आ गई 1/√2। अब बी डी कैसे निकालें, उसके लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सो जैसे ही अपने को ए सी मिला, अब मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, अगर हाइट पता करनी है बी डी, ठीक है, तो बी डी पता करने के लिए मेरे को यहाँ पे मैं मान लेता हूँ इसके कोऑर्डिनेट अगर एच को मके हैं, ठीक है, तो ये जो ई है ये क्या है, मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, ये 2h, 2k हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो बी के कोऑर्डिनेट पता है, और डी के जो बी के कोऑर्डिनेट है
वो इस पे लाई करेगा, इस लाइन पे एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन पे पॉइंट बी यानी 2h, 2k लाइज ऑन दी लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो यहाँ से मेरा इसमें क्या हो गया, सो इट मीन्स यहाँ पे ये इस लाइन पे लाई करेगा तो 2h+2k इक्वल टू वन, तो यहाँ से मेरे पास h प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। ठीक है, अब अपने को क्या है कि जो ये पॉइंट इस लाइन पे जो सारे पॉइंट्स होंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट तो -1/2 ही होंगे, क्योंकि ये लाइन 2x+1=0 है, तो इसका यानी जो h कोऑर्डिनेट होगा ये भी -1/2 होगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो मेरा जब h -1/2 आया तो k कितना होगा, k मेरा हो जाएगा अपन, ठीक है, तो h और k मिल गए, तो यहाँ पर मेरे पास क्या मिल गया, पॉइंट b जो मिल गया ये निकल गया मेरे पास कितना, यहाँ से ए बी सी के तीनों कोऑर्डिनेट मिल गए। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर मैं हाफ ऑफ ये करने की बजाय अगर ये देखिए, ये मेरे पास 0,0, ये वाला जो है ये कितना -1/2, -1/2 h, k 2h, 2k, तो यानी 2h-1,2 ये मेरा बी पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ए पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है, तो ए बी सी आ गया यहाँ से। ठीक है, तीनों कोऑर्डिनेट्स अपने को मालूम चल गए। सो यहाँ से जो एल्टीट्यूड जो बना हुआ है, अब इस एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी है, ये जो लाइन की इक्वेशन थी ये x बाई एक्स थी। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स से -1, यानी जो बी डी जो डिस्टेंस हो जाएगी मेरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लाइन थी x माइनस वाई इक्वल टू जीरो, पॉइंट था -1,2। ठीक है, b पॉइंट, इससे जो डिस्टेंस होगी वही वी डी होगी, तो यानी -1 -2/√, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1² + -1² तो जो बी डी जो होगा ये 3/√2 आ गया। ठीक है, तो बी डी मिल गया, यहाँ पे ए सी तो अपने को 1/√2 बताइए, तो यहाँ से मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया, हाफ ऑफ बेस ए सी यानी 1/√2 × 3/√2, तो 3/ कितना आ गया, 4। सो ये ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 3/4 यूनिट स्क्वायर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।